नमस्कार दोस्तों, मुक्ता का दुनिया में आप लोग को स्वागतम। दोस्तों आज हम सिंगोनियम लेकर के थोड़ा सा बात करते हैं कि एक साल में मेरे पास कितना ज्यादा सिंगोनियम हो गया। एक साल हुआ है, हम एक छोटा सा टहनी वाला एक ही पौधा हम लाए थे फ्रेंड, इतना ही बड़ा एक ही लाए थे। आज देखिए फ्रेंड, उसी में से हम कितना बनाए हैं फ्रेंड। ये है देखिए फ्रेंड, वो भी ठंडी में जो है ना, दिसंबर में हम जब लाए थे ये, तो ये हम लाए थे अक्टूबर महीना, नवंबर महीना में पिछले साल। तो एक साल हो चुका और हमको तो पता नहीं था, तो इसको ठंडी पसंद नहीं है, मतलब ओस गिरता है तो खराब हो जाता है फ्रेंड। इसको हम बाहर में छोड़ दिए थे और ओस में जो ठंडी पड़ा था उसका ये पत्ता सब जो है ना, और हाँ साथ में बारिश भी हुआ था और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पत्थर भी गिरा था, ये मेरा पूरा गल गया था फ्रेंड। इसमें एक ही तो टहनी था, एक ही तो डाली में थोड़ा सा बड़े बड़ा पत्ता था, इतना बड़ा बड़ा सब गल गया था साइड से, जितना बड़ा पत्ते था। तो फिर हमको बहुत तकलीफ हुआ, हम सोचे कि अब मेरा पौधा नहीं बचेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसको मैंने एक ही पौधा से, मतलब इतना ही बड़ा एक पौधा हमको मिला था, इतना ही पड़ा हमको 40 रुपया में मिला था। अब वही पौधा देखिए फ्रेंड, कितना सारे यहाँ कितना सारे 40 रुपया हो जाएगा बताइए। और जमीन में हम लगाए हैं फ्रेंड, देखिए ये है मदर प्लांट। अब इसको बोलता ये मदर प्लांट हो गया, और इसके पास कितना सारे बेबी प्लांट भी होते रहता है, निकाल के मलक से बनाए हैं। और देखिए फ्रेंड, इसमें भी एक बनाए हैं, और देखिए फ्रेंड ये भी बनाए हैं, और ये देखिए इसमें भी है, और इस पे फिर हम नया करके लगाए हैं। देखिए सब कटुसा लगा दिए हैं इस तरह, देखिए फ्रेंड। तो एक पौधा से हम कितना सारे बनाए हैं, और ये ऐसा चीज है फ्रेंड, वो आपको एक बार आप लाएंगे घर में वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाता है, नहीं जाएगा। बस चेंज थोड़ा सा कटिंग करके निकाल के अलग अलग बनाते जाइए, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई दूसरा तो है ना, ऐसा है तो इसको थोड़ा देखभाल करो, बस कुछ उतना से बात भी मांगता ही नहीं है फ्रेंड। और इसका मिट्टी हम क्या दिए थे, जो मेरा बगान में मिट्टी है सिंपल वो मिट्टी, और थोड़ा यहाँ से जैसे कि थोड़ा सा गोबर खाद और थोड़ा सा बालू, नहीं क्या बराबर बालू मिक्स कर दिए थे, बस इतना ही है। इसको ज़्यादा फैसिलिटी की जरूरत नहीं होता है, बस ये धूप में नहीं रहता है ना ठंडी में रहता है, बस धूप के समय में पत्ते इसका जल जाता है, ठंडी के समय ठंडी मारता है तो इसका पत्ता वो भी सिकुड़ के गल के ख़त्म हो जाता है, और ज़्यादा पानी रहने से वो एक दो दिन तो नहीं मरेगा, नहीं बाद में तो गलेगा, लेकिन उतना पानी देना ही नहीं है इसको, जैसे कि मिट्टी उट्टी सब है उसमें ड्रेन हो जाएगा, और अगर कभी कभी ड्रेन नहीं होता है तो उसी हिसाब से पानी देना है। फिर एक सप्ताह पानी ही नहीं दो, ठंडी में गर्मी में डेली पानी मांगता है, कभी एक आध दिन नहीं दिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन मिट्टी जो है उसको ड्रेन स्टेप का बनाइए, नीचे में 6 टिकरी डालिए, उसको ऊपर में गोबर खाद मिला करके, चाहे पत्ता उत्ता सबका खाद होता है उसमें मिला करके डालिए, अगर सूखा पत्ता है नीचे में सूखा पत्ता डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी और बालू और थोड़ा गोबर खाद मिला करके मिट्टी बना के डाल दीजिए। और इसको तो ज़्यादा सेवा की जरूरत है ही नहीं है, हम एक साल से इसमें लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड, हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, ना कोड़ते हैं ना कुछ करते हैं, ये पड़ा हुआ है इसमें, इसमें से कटिंग कर करके सिर्फ हम ये सब बनाए हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड मेरा ये सिंगोनियम कैसा लगा, और इतने सारे हम बनाए देखिए, अब इसमें कितना सारे मेरे पास हो गया, हम जमीन में भी लगाए हैं। तो मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा बताइएगा फ्रेंड, लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा नए दोस्त लोग। हम बहुत सारे तक दुख में हैं, हम बता नहीं सकते हैं, मेरा इतना ज़्यादा ऑन हो जाता है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, जितना लैब में जाते हैं दोस्त लोग के पास बनाते हैं, दूसरे दिन देखते हैं सब ऑन हो गया है। आ देखिए फ्रेंड, हम अभी गोबर खाद तैयार किए हैं, ये देखिए इसको चुन के हटा दिए, ये मिट्टी ये सब इसे निकल गया है इसमें से, देखिए ये देखिए ये सब अभी हम
कोई भी पेड़ में जरूरत है उसमें दे सकते हैं। ये देखिए तैयार हो गया है। अभी हम इसका कोई चीज उठा के रख देंगे, आज जिस पर जरूरत होगा उसमें डालेंगे फ्रेंड। तो वॉचिंग के लिए थैंक यू फ्रेंड।